फ्रेंड्स, क्या चैट जीपीटी मेरी नौकरी खा जाएगा या मेरे लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा? आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम यही सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम उज्जैन। फ्रेंड्स, आज हम चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं फ्रेंड्स, क्या वाकई में चैट जीपीटी मेरी नौकरी के लिए एक खतरा है या फिर पिक्चर इसके रिवर्स है, राइट? ये मेरे लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, जो कि प्रैक्टिकली मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, राइट? तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे, अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं, राइट, एक एक्सेल यूजर है और आपको एक्सेल में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कैसे चैट जीपीटी आपकी एग्जैक्टली राइट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो उस पर लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन आप लोगों के सामने है, यहां पर फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि चैट जीपीटी मेरी एक्सेल में कैसे हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर फ्रेंड्स आप देखेंगे एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की है। मेरे पास लिस्ट है नेम्स की, राइट, और उन लोगों ने अपनी कंपनी में कितनी सेल जनरेट की है, राइट, मेरे पास वो सेल दी हुई है। मुझे प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, मुझे यहां पर उनके बोनस की कैलकुलेशन करनी है, और बोनस की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है फ्रेंड्स, यहां कॉलम एच में येलो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये मेरी प्रॉब्लम है, राइट, ये मेरे को इस तरह से बोनस की कैलकुलेशन करनी है। सो फ्रेंड्स, क्या है, आई नीड अ फॉर्मूला इन एक्सेल, एक्सेल में एक फॉर्मूला चाहिए मुझे। इफ सेल इज ग्रेटर देन 1 लाख, बोनस विल बी 20% ऑफ सेल। अगर 1 लाख से ज्यादा की उसने सेल किया तो मेरी 20% का बोनस मिलेगा उसको, सेल पर 20% बोनस मिलेगा। अगर बोनस जो है, जो सेल है, वो 50,000 से 1 लाख के बीच में है, मतलब 1 लाख से कम है लेकिन 50,000 तक है, तो बोनस कितना होगा, 10% होगा। और अगर सेल 50,000 से कम है तो बोनस उसको केवल 5% मिलेगा, राइट? अब समझ में नहीं आ रहा यार, इसको एक्सेल में कैसे करें, क्या चैट जीपीटी यहां पर हेल्प कर सकता है फ्रेंड्स, देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूं इस स्टेटमेंट को, चलते हैं फ्रेंड्स चैट जीपीटी में, राइट, चैट जीपीटी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, चैट जीपीटी की स्क्रीन आप लोगों के सामने है, जिन लोगों को लॉगिन कैसे करना है इस पे, वो फ्रेंड्स ऊपर एक यूआरएल आ रहा है, chat.openai.com, राइट, chat.openai.com, इस पे जाके आप लोग फ्री अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना प्लीज फ्री अकाउंट बना लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। यहां पर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, न्यू चैट मैंने किया। अब फ्रेंड्स देखते हैं कैसी ये मेरी हेल्प करेगा, राइट, ये फ्रेंड्स मेरे पास पूछ रहा है, जी बताओ क्या चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, जो मैं कॉपी करके लाया हूं, मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, मैंने इसको सिंपल बता दिया, जी ये है मेरी प्रॉब्लम, आई नीड ए फॉर्मूला इन एक्सेल। अब फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, देखते हैं फ्रेंड्स कितना एक्यूरेट सोल्यूशन मेरे को दे पाता है। फ्रेंड्स, इसमें को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, बता रहा है ये आपको, राइट, कि यू कैन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल टू कैलकुलेट द बोनस बेस्ड ऑन सेल, राइट, इसने पूरा फ्रेंड्स फॉर्मूला क्रिएट करके आपको दे दिया है, राइट, वेयर A1 इज सेल कंटेनिंग द सेल अमाउंट। ये अज्यूम कर रहा है कि आपका जो सेल है वो A1 के अंदर है, राइट, तो आपकी सेल अगर A1 में नहीं है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे। मैंने कॉपी किया फ्रेंड्स, फॉर्मूले को मेरे को यहां पर पेस्ट कर लेना है, मैंने फॉर्मूले को फ्रेंड्स यहां पर पेस्ट कर लिया, और जो जो रेफरेंस फ्रेंड्स मेरे A1 पे आ रहे हैं मेरे को उनको B2 पे पहुंचाना है। बट फ्रेंड्स, उससे पहले एक प्रॉब्लम है फॉर्मूले के अंदर जो छोटी सी इसने नहीं करा है, ठीक, A1 मल्टीप्लाइड बाय 20% होना चाहिए यहां पर, तो ये मल्टीप्लाई का साइन इसने नहीं लगाया है, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं, राइट, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया होना जरूरी है, वरना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ कर सकता है, नॉर्मली ये सही रिजल्ट दे देता है, राइट। मैं सारे रेफरेंस जो A1 पे आ रहे थे, क्योंकि इसने A1 पे अज्यूम किया है, मैं इसको B1 पे ले जाता हूं, राइट, मैंने जितना भी A1 था उसको मैंने B2 बना दिया, एंटर किया, कॉपी किया फ्रेंड्स फॉर्मूले को, और नीचे तक मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एंड फ्रेंड्स देखेंगे इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया, जहां पर भी मेरी सेल 1 लाख से ऊपर है वहां 20% कैलकुलेट कर रहा है, जहां 50,000 से कम है वहां 5% कैलकुलेट कर रहा है, और जहां 1 लाख से 50,000 के बीच है वहां पर ये 10% कैलकुलेट कर रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो सॉल्यूशन इसने बिल्कुल एक्यूरेट दिया है मुझे, बस छोटे से इश्यूज थे वो मेरे को सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, राइट, कई बार वो आएंगे कई बार वो आपको नहीं आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स समझते हैं, यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स मेरी ये है कि मेरे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसमें मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि मेरी जितनी भी वैल्यू 0 है या ब्लैंक है, राइट, कुछ भी मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं 0 के साथ एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जहां जहां मेरी वैल्यू 0 है वहां वो हाईलाइट हो जाए, वो पर्टिकुलर किसी कलर में हाईलाइट हो जाए, राइट, तो क्या फ्रेंड्स मेरे को ये सॉल्यूशन दे सकता है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मैं आ गया वापस चैट जीपीटी के पास चैट करने के लिए और मेरे को अपनी प्रॉब्लम पूछनी है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं
इस प्रॉब्लम को एक मैक्रो के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मैक्रो के थ्रू ही पॉसिबल है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि कोई वैल्यूज जो ब्लैंक है या जीरो आ रही है वो हाईलाइट हो जाए, बट यहां पर फ्रेंड्स मैंने इसको प्रॉब्लम दिया वीवीए कोड टू हाईलाइट जीरो वैल्यूज इन सिलेक्शन। वीवीए कोड क्या है? एक्सेल का वीवीए कोड। अगर आप लोग मैक्रोस पे काम करते हैं तो आप लोग इजीली इसको समझ पाएंगे, राइट? तो वीवीए कोड टू हाईलाइट जीरो वैल्यूज इन सिलेक्शन, तो मैं जो सिलेक्ट करूंगा उसमें जीरो वैल्यूज को हाईलाइट कर दे, राइट? मैंने इसको ओके किया। अगर आप सिलेक्शन में नहीं चाहते हैं, पूरी शीट पे चाहते हैं, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? वीवीए कोड टू हाईलाइट जीरो वैल्यूज इन एंटायर शीट। तो ये एंटायर शीट के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देगा, राइट फ्रेंड्स? तो आप देखेंगे यू कैन यूज बिलो VBA code to highlight all cells with a value of 0 in selected range। तो फ्रेंड्स VBA code आपको ये हाईलाइट कर रहा है, बना के दे रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही एक्यूरेट ये रिजल्ट देता है, राइट? चलिए फ्रेंड्स, assumption वगैरह सब कुछ ये साथ में दे रहा है आपको। सॉरी आई कांट कंप्लीट रिस्पॉन्स, कुछ रीजन से फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं कर पाया ये। दोबारा फ्रेंड्स हम लोग ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, कुछ पोर्टल पे बहुत ज़्यादा शायद है, हम लोग न्यू चैट करके दोबारा से फ्रेंड्स इसके ऊपर ट्राई करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स कोड इसने क्रिएट कर दिया है, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा है किस बेसिस पे क्या एजम्पशन। मैं कॉपी कोड कर लेता हूं यहां से, मैंने कॉपी कोड किया। एंड फ्रेंड्स अब मेरे को सिंपल क्या करना है, मेरे को अपनी, अगर आपको पढ़ना चाहे फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं, काफी काम का होता है। जो नीचे टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ये आपको बताता है कि किस एजम्पशन पे, राइट, ये इस कोड को या जो भी आपको रिजल्ट दे रहा है वो क्रिएट करके दे रहा है, राइट? तो मैंने कॉपी कोड करके इस कोड को कॉपी कर लिया है, वापस आ जाता हूं फ्रेंड्स मैं अपनी एक्सेल फाइल के अंदर, और इस शीट के अंदर मुझे हाईलाइट जीरो वैल्यूज करवाना है। फ्रेंड्स मैं विजुअल बेसिक पे क्लिक करूंगा, जो लोग मैक्रो पे काम करते हैं उनको आइडिया होगा, राइट? यहां पर फ्रेंड्स मैं अपने इस कोड को कॉपी कर दूंगा, राइट, पेस्ट कर दूंगा, मैंने पेस्ट कर दिया। एंड फ्रेंड्स अब इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे सिंपल क्या करना है, मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, देखते हैं जी हाईलाइट करेगा नहीं करेगा, राइट? मैक्रो के अंदर गया फ्रेंड्स, एक मैक्रो हाईलाइट जीरोस, राइट, इसने बनाया अपने पास, इसको मैं रन कर देता हूं। मैंने रन किया एंड फ्रेंड्स आप देखेंगे इसने मेरे को जीरो वैल्यूज हाईलाइट करके दे दी, राइट फ्रेंड्स? तो वीवीए कोड क्रिएट करने में, फॉर्मूला को क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर रहा है, वीवीए का कोड क्रिएट करने में, मैक्रो बनाने में फ्रेंड्स आपकी काफी हेल्प कर रहा है। एक और फ्रेंड्स प्रॉब्लम लेके देखते हैं, राइट, हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम। हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम मतलब मेरे को किस कुछ फॉर्मेटिंग करनी है इसके अंदर, और मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि एक कॉलम छोड़ के दूसरा कॉलम, राइट, एक कॉलम फिर ये वाला कॉलम फिर ये कॉलम, एक एक कॉलम ये हाईलाइट कर दे एक एक कॉलम छोड़ के, राइट? तो क्या उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है, राइट? चलिए फ्रेंड्स चलते हैं चैट जीपीटी के पास। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं चैट जीपीटी के पास वापस आ गया हूं, मेरे को यहां पर अपनी प्रॉब्लम उसे बतानी है। मैंने प्रॉब्लम बताई वीवीए कोड टू हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम इन एक्सेल शीट इन सिलेक्टेड एरिया, राइट, ऑल्टरनेट कॉलम को मुझे हाईलाइट करवाना है। मैंने एंटर किया फ्रेंड्स, ये आपके लिए कोड क्रिएट कर रहा है, हियर इज सम सैंपल वीवीए कोड दैट विल हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम इन एन एक्सेल शीट इन अ सिलेक्टेड एरिया, राइट? तो फ्रेंड्स ये आपको हाईलाइट करके देगा पूरा कोड फ्रेंड्स ये क्रिएट कर रहा है, राइट? तो फ्रेंड्स काफी लोगों को जो लगता है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, देखने का नजरिया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा फ्रेंड्स। और मेरे को ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी कहीं ना कहीं हमारी एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर हेल्प करने वाला है, अगर हम उसको हेल्प लेने के लिए रेडी हैं, राइट फ्रेंड्स? जैसे कि एक कोड फ्रेंड्स ने मेरे को क्रिएट कर दिया है, मेरे को दिमाग नहीं लगाना आप कोड के ऊपर, सिंपल फ्रेंड्स मेरे को प्रॉब्लम पता होनी जरूरी है, प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं, सॉल्यूशन ये दे देगा आपको, राइट फ्रेंड्स? उसकी डिस्क्रिप्शन भी पूरी दे दी है इसने किस बेसिस पे क्या आपको सॉल्यूशन दिया है, इसको पढ़ लेना एक बार आप लोग जब भी आपको सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर वो एजम्पशंस बताता है कि किस एजम्पशन पे क्या ये रिजल्ट देगा, क्या करेगा, वो सारा आपको बताता है। तो कई बार हो सकता है फ्रेंड्स आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, आपको इसको टेस्ट जरूर करना है, राइट? क्या ये आप जो चाहते थे उसका रिजल्ट इसने दिया है प्रॉपर, राइट? कॉपी किया मैंने कोड को, वापस आते हैं फ्रेंड्स एक्सेल पे। यहां पर फ्रेंड्स मैं आऊंगा विजुअल बेसिक पे क्लिक करूंगा, विजुअल बेसिक में फ्रेंड्स मेरा पहला वाला जो कोड है हाईलाइट जीरोस, राइट, उसके नीचे फ्रेंड्स मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम। बंद किया फ्रेंड्स मैंने इसको, डेटा को अपने सेलेक्ट किया एंड देन फ्रेंड्स मैं मैक्रो में गया, यहां पर हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम इसको मैंने रन किया एंड फ्रेंड्स आप देखेंगे इसने मेरे कॉलम्स को हाईलाइट करके दे दिया, राइट? तो फ्रेंड्स इसने पूरे कॉलम को मेरे हाईलाइट कर दिया, शायद क्वेश्चन पूछने में कुछ गड़बड़ रह गई थी, हम दोबारा से एक बार इसे ट्राई करते हैं। दोबारा से फ्रेंड्स जाता हूं न्यू चैट पर, मैं क्लिक करता हूं, यहां पर मैं इसको दोबारा से बोलूंगा, एंटर किया फ्रेंड्स, कोड क्रिएट कर रहा है ये कोड फ्रेंड्स इसने क्रिएट करके दे दिया है, सिंपल इस कॉपी कोड कर लेता हूं मैं, इसको कॉपी किया फ्रेंड्स कोड को मैंने, और वापस से फ्रेंड्स मैं अपनी एक्सेल फाइल पे आ जाऊंगा, यहां पर सिंपल फ्रेंड्स विजुअल बेसिक में जाऊंगा, यहां पर फ्रेंड्स जो मेरा पुराना कोड था मैं उसको डिलीट कर देता हूं और नया कोड, राइट, नया कोड जो है मेरा हाईलाइट जीरोस, इसके नीचे नया कोड मैंने पेस्ट कर दिया, राइट, हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम्स। यहां पर फ्रेंड्स मैं किसी और डेटा में चलता हूं, जैसे इस डेटा के अंदर चलते हैं, यहां पर फ्रेंड्स देखते हैं क्या ये हाईलाइट करेगा ऑल्टरनेट कॉलम, राइट? मैं मैक्रो में गया, हाईलाइट ऑल्टरनेट कॉलम मैंने इसको रन किया एंड फ्रेंड्स देखेंगे इसने ऑल्टरनेट कॉलम, एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम को हाईलाइट कर दिया है।
राइट फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन मेरे को ना बड़ा ही क्लियर करके पूछना है, अगर प्रॉब्लम आ जाती है आप दोबारा पूछ सकते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको टेस्ट करना है राइट फ्रेंड्स। तो आपने देखा किस तरह से चैट जीपीटी फ्रेंड्स, जहां एक्सेल में मैं फंस रहा था राइट, मुझे नहीं आइडिया था इसका कोड किस तरह से लिखना है, क्या कोड होगा फ्रेंड्स, इसने मेरे को एग्जैक्ट आंसर दे दिया राइट फ्रेंड्स। हम लोग फ्रेंड्स इसकी कोशिश करेंगे मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाने की, मैक्सिमम इसकी हेल्प लेने की। सिंपल आपको फ्रेंड्स चैट जीपीटी, मैं आपको एक बार साइट दिखा देता हूं, आपको फ्रेंड्स सिंपल chat.openai.com पे जाना है और chat.openai.com पे जाके फ्रेंड्स आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है, साइन अप कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इससे मजे लेने के लिए एक क्वेश्चन और पूछा था, मैं आप लोगों के सामने दोबारा पूछूंगा फ्रेंड्स। मैंने फ्रेंड्स चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा था, कैन यू प्लीज मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी फ्रेंड्स, देखिए कितना मजेदार इसने आंसर दिया था फ्रेंड्स, आप देखिएगा आंसर ये दे रहा है। तो फ्रेंड्स कई बार अगर आपका मूड थोड़ा अच्छा नहीं है राइट, और अपना मूड फ्रेश करना चाहते हैं, तो उसका भी आप इसका आप यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम ए लैंग्वेज मॉडल, आई एम नॉट एबल टू मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, हाउएवर आई कैन प्रोवाइड यू द इंस्ट्रक्शन और हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी इफ यू वुड लाइक। फ्रेंड्स रेसिपी बताने को तैयार है, बना नहीं सकता, उसने आपको बता दिया राइट फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।